हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव कुमार है और आप देख रहे हैं एमएसपी टेक टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आउटलुक को कॉन्फ़िगर किया जाता है। दोस्तों, जैसे आप सबको लगता होगा कि आउटलुक सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए ही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि आउटलुक के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूसेज भी हैं जिन्हें मैं इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में आउटलुक जो एमएस ऑफिस के पैकेज के साथ आता है उसे इंस्टॉल करके रखना होगा, और आपको अपने जीमेल में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिसे मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे की जा रही है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और जीमेल में जाइए, और यहाँ पर आपको इस सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। और यहाँ पर सेटिंग्स के पैनल में आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में चूज करना है फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP। आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जो कुछ इस तरीके का होगा। तो आपको करना ये है कि यहाँ पर अगर IMAP डिसेबल हुआ होगा, जो ऐसा दिखेगा, तो आपको सिर्फ अनेबल पे चेक कर देना है और सेव चेंजेस कर देने हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अब ये तो हो चुका है, तो चलिए अब जाते हैं अपने आउटलुक पर। तो देखिए दोस्तों, हम आउटलुक पर आ चुके हैं। तो अब आपको ऑप्शंस बार में क्लिक करना है टूल्स पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो एक कंसोल पेज ओपन होके आएगा जो कुछ इस तरीके का होगा। तो अब आपको न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, आपको इसे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना मेल मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में चेक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला है इंटरनेट ईमेल, तो आपको वही चूज़ करना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और फॉर्म ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने ईमेल से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स करेक्टली फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, और सेकंड ऑप्शन आता है ईमेल का, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालूंगा। और अब आता है सर्वर इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे किया जाता है, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसको फॉलो करके आप इन सर्विस को फिल करने का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये है जीमेल का वो हेल्प पेज जो आपको अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सेटअप योर क्लाइंट, तो इसमें IMAP सर्वर, SMTP सर्वर और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन, पॉट्स और SSL की इन्फॉर्मेशन है जो आपको वहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा IMAP सर्वर है imap.gmail.com, तो हमें सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, अपने आउटपुट पे जाते हैं। तो हमें अकाउंट टाइप पहले सेलेक्ट करना है, तो वो होगा हमारा IMAP। उसके बाद इनकमिंग मेल सर्वर imap.gmail.com। उसके बाद हमारा आउटगोइंग मेल सर्वर है smtp.gmail.com। तो आप यहाँ पर आपको लॉग इन इन्फॉर्मेशन फिल करना है, यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और एक और पेज ओपन होके आएगा जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे कि आउटगोइंग सर्वर पर आपको क्लिक करना है, और माई आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सर्वर पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इनकमिंग मेल सर्वर, तो यहाँ पर आपको SSL के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली पोर्ट स्विच हो चुका है 993 पर, और आउटगोइंग सर्वर पर भी आपको सेम करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको पोर्ट को खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो हो सकता है 587। और यहाँ पर आप सर्वर टाइम आउट का ऑप्शन मिलता है जो बाय डिफॉल्ट 1 मिनट का होगा, लेकिन इसे आप बढ़ाकर मिनिमम 5 मिनट तक कर दीजिए। अब आपको ओके प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेस्ट अकाउंट सेटिंग का, तो आपको उस पर एक बार क्लिक करना है। और जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो एक टेस्टिंग शुरू हो चुकी है आपके जीमेल से और सर्वर से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, और जैसे ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा इनकमिंग मेल सर्वर स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, लेकिन सेंट अ टेस्ट ईमेल मैसेज फेल दिखा रहा है। ऑलमोस्ट हम क्लियर हो चुके हैं, आगे की सेटिंग हम आउटलुक पर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरा macro.msp का जो जीमेल का अकाउंट है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। तो
हम इसे क्लियरिंग क्लोज और जाएंगे इनबॉक्स में। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे सारे जीमेल के मेल फिजिकली मेरे डेस्कटॉप पर भी सेव होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आपको सेंड और रिसीव का स्टेटस दिख रहा है जो अभी फिलहाल 77% है। इसका मतलब मेरे जीमेल के अकाउंट के मेल्स जीमेल के सर्वर से मेरे डेस्कटॉप में फिजिकली सेव हो रहे हैं। दोस्तों, आउटलुक को यूज़ करने के कई सारे फायदे हैं, जिनमें पहला ये है कि आप ऑफलाइन भी अपने ईमेल्स चेक कर सकते हैं और आपको बार बार मेल्स को चेक करने के लिए अपने अकाउंट को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी भी नए मेल का नोटिफिकेशन आपके डेस्कटॉप पर ही आ जाएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।